काली और गोरी बेटी के लंबे बाल। अरे वाह, जरा देखो तो मेरी प्यारी बेटी इस चोटी में एकदम परी लग रही है। यशोदा ऐसा कही रही होती है तभी संध्या हाथों में कंघी लिए अंदर आती है। माँ, मेरे भी बाल बना दो ना। अरे वाह चंचल, तेरी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मेरे भी बालों की चोटी चंचल के जैसी बना दो। इस पर 5 साल की चंचल चढ़कर संध्या को धक्का दे देती है और उसे बहुत सुनाती है। नहीं, मेरी माँ तुझ काली को लुटी बैंगन लुटी के बाल नहीं बनाएंगी। जा यहाँ से जा। सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। अपने लिए यशोदा का ऐसा सौतेलापन देखकर संध्या की आंखों में आंसू भराते हैं। तभी अजीत संध्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐसे रोते नहीं संध्या, चल आज मेरी रानी बिटिया के बाल उसके बाबूजी बनाएंगे। फिर अजीत संध्या के बाल बना देता है। ये लो, बन गए मेरी बिटिया रानी के बाल। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, अगर मैं सुंदर हूँ तो माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो कभी मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और ना ही कभी मेरे बाल बनाती है। माँ कहती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या सच में ऐसा है? अपने 7 साल की मासूम बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजीत भराए मन से कहता है, अब मैं तुझे क्या बताऊँ मेरी बच्ची, कि तुझे जन्म देते वक्त ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने ये दूसरी शादी की ताकि तुझे माँ मिल सके, मगर ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ सालों पहले अजीत की शादी ममता से हुई थी और ममता की गर्भवती होने की बात से अजीत बहुत खुश था, मगर संध्या को जन्म देते वक्त ही ममता की मौत हो जाती है। ऐसे में अजीत यशोदा से दूसरी शादी करता है, मगर संध्या का काला रंग देखकर यशोदा उसे नहीं अपनाती और कुछ समय बाद वो एक गोरी सुंदर बेटी को जन्म देती है और अपना सारा प्यार चंचल पर लुटाती है। बेचारी मासूम सी संध्या इसी फर्क के साथ 7 साल की हो चुकी है। एक दिन यशोदा कहती है, अरे ओ काली भट्टी, जा जाकर मेरे और मेरी बेटी के लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। संध्या जल्दी से चाय बनाकर ले आती है, तभी चंचल जानबूझकर जमीन पर अपना पैर अड़ा देती है, जिससे थोड़ी सी चाय छलक कर चंचल के बालों पर गिर जाती है। इस पर चंचल झूठ मूठ में रोने लगती है, माँ देखो इस काली कलोटी ने जानबूझकर मेरे बाल जला दिए, क्योंकि ये मेरी सुंदरता से जलती है। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। यशोदा संध्या की एक नहीं सुनती और उसके बाल नोचने लगती है। क्यों रे काली कलूटी, अपनी माँ को तो खा गई और मेरी बेटी की सुंदरता बिगाड़ने पर तुली है, आज मैं तेरे ये लंबे बाल नोच डालूंगी। माँ मेरे बाल मत नोचो, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। इतने में अजीत दरवाजे से भागता हुआ अंदर आकर संध्या को बचाता है। यशोदा, अरे कैसी माँ हो तुम? एक वो यशोदा थी जिसने कृष्ण को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, फिर भी उस पर अपनी सारी की सारी ममता लुटा दी, और तुम मेरी फूल सी बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रही हो। हाँ, क्योंकि ये इसी लायक है, मेरा बस चले तो मैं इसका गला घोट कर मार डालू। यशोदा की ऐसी जहर भरी बातें अजीत के दिल में बैठ जाती हैं और यशोदा के साथ शादी का फैसला अजीत को निगल जाता है। ऐसे में संध्या पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वह अपने ही घर में अपनी सौतेली माँ और बहन की नौकर बनकर रह जाती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अब संध्या के बाल बचपन से भी ज्यादा लंबे घने हो जाते हैं, वहीं चंचल के बाल झाड़ू जैसे पतले हो जाते हैं। सुन कल्लो, ये गंदे कपड़े धो दियो और घर की सफाई करने के बाद खाना खा लियो। संध्या को हर दिन खाने में अपनी गोरी बहन का छोड़ा जूठा खाना या फिर रात की बची खुची बासी रोटी खाने को मिलती। अपने हिस्से की वह रोटी भी संध्या हर दिन दोपहर में अपने दरवाजे पर आने वाली बुढ़िया से चोरी छिपे बांट कर खाती। अम्मा आप आ गई, ये लीजिए आपके खाने की थाली। बेटिया, तू हर रोज अपने हिस्से का खाना मुझे खिला देती है और खुद आधा पेट खाती है। तो क्या हुआ अम्मा, वैसे भी आपसे बांट कर खाना मुझे अच्छा लगता है। इतने में चंचल और यशोदा घर आ जाती हैं। ऐसे में चंचल चालाकी दिखाते हुए कहती है, आज मौका मिला है इस काली कलूटी से बदला लेने का। अम्मा आप यहाँ से चली जाओ। देखो देखो माँ, ये काली कलूटी हमारे ना रहने पर घर का खाना भूखे नंगों को खिलाती है।
क्योंरी कोयला खदान ये राशन क्या फ्री फंड में आता है? तेरे माँ बाप तो मर गए मगर तेरा बोझ मेरी छाती पर छोड़ गए, आज तुझे मैं बताती हूँ। आह माँ मेरे बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। माँ मैं तो कहती हूँ आज इस काली कलूटी को गंजाई कर देते। नहीं नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो। दोनों मिलकर संध्या के सारे बाल नोच डालती हैं और उसे घर से भी निकाल देती हैं। ऐसे में संध्या आंखों में आंसू लिए एक जंगल में चली जाती है। तभी रात हो जाती है और वही बुढ़िया फिर से संध्या के पास आती है। चुप हो जाओ बेटी। अम्मा आप यहाँ? अम्मा अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरे सारे बाल नोच दिए। फिर जैसे ही बुढ़िया संध्या के सर पर हाथ फेरती है, संध्या के गंजे सर पर लंबे घने सोने के बाल उगाते हैं। अम्मा आपने ये कैसे किया? इतने में बुढ़िया एक परी बन जाती है। संध्या मैं एक परी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे पास आती थी, मगर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने के बाल देकर जा रही हूँ। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें देगा। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और संध्या सोने के बालों का जादू आजमाती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है, ऐ जादुई बाल मुझे खाना दो। इतना कहते ही संध्या के जादुई सोने के बाल चमकने लगते हैं और खाने से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, उस परी के दिए ये जादुई सोने के बाल तो खजाने का जैसा है। रात भर जंगल में रहने के बाद सुबह संध्या घर लौटती है, जहाँ फुटपाथ पर एक 70 साल का बूढ़ा जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा होता है कहता है, भगवान के लिए मुझ गरीब की मदद करो बेटी, मेरी पत्नी को आखिरी स्टेज का कैंसर है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, दया करके कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फुटपाथ पर पड़ी बूढ़े की बीमार पत्नी को देखकर संध्या को उस पर दया आ जाती है। वह अपने सोने के बालों से उनकी मदद करती है। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल मेरी मदद करो। इसी के साथ एक बार फिर जादुई सोने के लंबे बाल चमकने लगते हैं और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे गिरते हैं। ये लो काका, इससे आप अम्मा का इलाज करवा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। इसी तरह से संध्या रास्ते में और भी गरीब लोगों की मदद करती है और घर आ जाती है, जहाँ चंचल यशोदा पर चिल्ला रही होती है, किसने कहा था उस कोयले खादान को घर से निकालने को, अब जल्दी जल्दी सफाई करो, अभी रसोई में गंदे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी तुम्हें ही मांजने हैं। मेरी प्यारी माँ। चंचल ये तो माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो, उठो माँ उठो। संध्या के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर यशोदा की आंख भर आती है। वहीं सोने के लंबे बाल देखकर चंचल लालच से कहती है, इस कौली कलूटी के सर पे सोने के बाल कैसे आए? ये जानने के लिए चंचल झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, संध्या दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कोई बात नहीं छोटी, जो हो गया सो हो गया, तू अभी भी मेरी बहन है। मगर दीदी आपके बाल सोने के कैसे हुए? इस पर संध्या अपनी माँ और सौतेली बहन को पूरी बात बताती है। यकीन नहीं होता ना तो अभी देखो, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल दिखा दे अपना कमाल। ये कहते ही संध्या के सोने बाल चमकने लगते हैं और उसमें से सोने के सिक्के पैसे गहने निकलते हैं। फिर रात में खा पी कर सो चुकने के बाद चंचल संध्या के कमरे में आकर उसके बालों को काटने लगती है। अपनी इस काली कलूटी बहन के इस जादुई बालों को काट कर मैं इसे अपने बालों में लगा लूंगी और फिर ये सुंदर सोने के बाल मेरे हो जाएंगे। चंचल जैसे ही संध्या के बालों को काटने की कोशिश करती है, कैंची उछलकर उसके सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देती है, जिससे वो चीख पड़ती है। और तभी यशोदा वहां आ जाती है और संध्या भी उठ जाती है। क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं मैं गंजी नहीं हो सकती। मगर ये हुआ कैसे? चंचल रो रो कर सारी बात बताती है। तुम्हारे सोने के बाल देखकर मैं लालची हो गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल मेरी बहन के बालों को लौटा दो।
संध्या के सोने के बालों की चमक जैसे ही चंचल के गंजे सर पर पड़ती है, उसके बाल लौट आते हैं और गोरी घमंडी चंचल अपने अब तक के सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। वहीं संध्या अपनी जादुई सोने के बालों से आगे भी गरीब लोगों की भलाई करती है। वंशिका खाना पकाकर लाती है और अपने दोनों भाइयों को परोसती है। कमलेश भैया देखिए, मैंने आपके लिए भरवा भिंडी बनाई है और हितेश भैया आपके लिए आलू टमाटर की सब्जी, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ मेरी बहन, हम दोनों को पसंद है, पर आज तूने हम दोनों की पसंद का कैसे बना दिया? बहुत परेशान हो जाती है ना घर का अकेले काम करके, माँ बाबू जी होते तो तुझे इतनी कम उम्र में घर नहीं संभालना पड़ता। सही बोला भैया आपने, हमारी छोटी बहन बड़ी हो गई है भैया, लेकिन तू चिंता मत कर, हम दोनों ने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, अंग्रेजन। हाँ फिर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी भाभी तुझे बिठाकर खिलाएगी और तेरी मदद भी करेगी। सच्ची भैया, आप मेरे लिए अंग्रेजन भाभी ला रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले महीने ही हम शादी कर रहे हैं, ये ले पैसे, अपने लिए शॉपिंग कर लेना जो भी तुझे चाहिए। जी भैया। आ जा तू भी हमारे साथ खाना खा गर्मा गर्म। फिर भाई बहन मिलकर खाना खाते हैं और अगले महीने ही दोनों भाई कमलेश और हितेश अपनी अंग्रेजन गर्लफ्रेंड आलिया और सोफिया से शादी कर लेते हैं, जहां काली नंद दोनों अंग्रेजन भाभियों का गृह प्रवेश करती है। नमस्ते भाभी, अब माँ तो है नहीं तो ये रस्म मुझे निभानी पड़ी, और भैया एक रस्म और है दरवाजा रोकने की, चलिए चलिए शगुन निकालिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये ले। हाँ ले। ये बल्ले बल्ले। आइए भाभी, आप दोनों इसमें पैर रख कर अपनी छाप छोड़ दीजिए। अफो पता नहीं कैसी कैसी रस्म निभानी पड़ेगी। या आलिया, पर एक बात बताइए, आप इतनी खाली कैसे रह गई, हम इतनी गौरी और नंद ऐसी मिल गई। वही तो, देखो कितनी खाली सी है हमारी नंद। स्टॉप आलिया, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, तुम उसे ऐसा नहीं बोल सकती हो। हाँ सोफिया, इस बात का तुम्हें भी ध्यान होना चाहिए। कूल डाउन, आप दोनों परेशान मत होइए, बस छोटा सा मजाक था ये। कोई बात नहीं भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर दोनों अंग्रेजन भाभियां आलते की थाली में पैर रखकर घर में अपनी छाप छोड़ देती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों भाभियां वेस्टर्न कपड़ों में तैयार होकर खाना बनाती हैं, तभी वंशिका आती है। अरे भाभी, आपको अकेले काम करने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। तुम क्या मदद करवाओगे, कहीं हमारा खाना तुम्हारी वजह से जल गया तो, क्योंकि तुम खाली कलूटी सी हो। वही तो, हम दोनों बड़ी मुश्किल से खाना बना रहे हैं, अगर खराब हुआ तो हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपनी खाली सूरत लेकर चली जाओ। ये सुनकर वंशिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दोनों अंग्रेजन अपने पतियों को खाना बनाकर खिला देती है। वक्त गुजरता है और दोनों अंग्रेजन भाभियां अपनी नंद को कालेपन का ताना देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और घर के काम भी अधिकतर वंशिका से ही करवाया करती थी। वहीं दूसरी ओर दोनों भाइयों का काम कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा था और अब दोनों की नौकरी छूट गई थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन सोफिया खाना बना रही थी तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। ओ गॉड, सिलेंडर इज एम्प्टी, हाउ टू मेक फूड फॉर ऑल ऑफ अस। अफो, उनको ब्रेकफास्ट भी बनाकर देना है और घर में पैसे भी नहीं है, दूसरा सिलेंडर कहाँ से आएगा। वही तो, अब इस घर में गरीबी के दिन देखने पड़ेंगे। भाभी आप दोनों परेशान मत होइए, मैं चूल्हा बना देती हूँ, घर में पैसे नहीं है, सिलेंडर तो आ नहीं सकता, तो यही ठीक रहेगा। पर हमें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है, यू नो ना, और उस चूल्हे पर बैठकर हम तुम्हारी तरह खाली नहीं होना चाहते हैं। डोंट वरी भाभी, मैं बना लूंगी खाना, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है। फिर वंशिका मिट्टी लाकर आंगन में चूल्हा बना देती है और आधे घंटे में ही सारा खाना बनकर तैयार कर लेती है, जिसे खाने के बाद कमलेश कहता है, अरे वाह वंशिका, तूने चूल्हे पर खाना बनाया है, स्वाद आ रहा है, उसकी रोटी तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मुझे पता है भैया, रियली दिस चूल्हे का खाना इज फैंटास्टिक। यू आर राइट सोफिया, मुझे भी ये खाना बहुत अच्छा लगा, हमें भी सीखना है। तभी खाना खाते खाते कमलेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ भैया, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या, आप रो क्यों रहे हैं? जानता हूँ, हम दोनों की नौकरी छूट गई है, घर में शायद सिलेंडर खत्म हो गया होगा, इसलिए तूने चूल्हे पर खाना पकाया। क्या करो, नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही।
कोई बात नहीं भैया, मैं इंतजाम कर लूंगी। मैं काम करने का सोच रही थी, आप प्लीज ज्यादा मत सोचना, बस कुछ समय की बात है। ठीक है मेरी बहन। कुछ देर बाद वंशिका अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी मैंने देखा है बाहर बाजार में मोमोज की दुकान पर ज्यादा भीड़ होती है और मुझे बनाने भी आते हैं। एक बार मैंने भैया को बनाकर खिलाया था, अब घर में सिचुएशन ऐसी है तो मैं सोच रही हूँ मोमोज बनाकर ही बेच लेते हैं, पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्टॉल लगाने के लिए 10,000 तो चाहिए। उसके लिए मैं अपने कानों की बालियों को बेच दूंगी। फिर वंशिका अपने कान की बालियों को बेच कर मोमोज बनाने का सामान ले आती है और घर में मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है और दोपहर से मोमोज बनाकर बेचने लगती है। हे देवी मैया, ये पहला दिन है, आप अच्छी बिक्री करवा देना। आइए आइए मोमोज खा लीजिए, बढ़िया बढ़िया स्टीम के मोमोज 20 रुपए की प्लेट। आइए आइए बहन जी, आइए ना। अरे नहीं, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, पता नहीं मोमोज कैसे होंगे। दोपहर से शाम हो जाती है, उसके सिर्फ 4 या 5 प्लेट की ही बिक्री होती है। जल्दी कोई उसके मोमोज खा ही नहीं रहा था, इस वजह से वह निराश होकर घर आ जाती है और उदास होने पर अपनी भाभियों को बता देती है। तुम्हारी सूरत देखकर कौन आएगा, खैर तुम अकेली परेशान क्यों हो रही है, हम दोनों भी कल मोमोज बेचने चलेंगे। हाँ वैसे भी घर में बोर हो जाते हैं, अब गरीबी के दिन देख लिए हैं तो मोमोज भी बेच लेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है भाभी। अगले दिन दोनों भाभी अपनी काली नंद के साथ मोमोज बेचती हैं। अंग्रेजन भाभियों को देखकर बहुत सारे लोग मोमोज खाने के लिए आते हैं। सुनिए जरा मुझे एक प्लेट मोमोज देना। वंशिका मोमोज की चटनी देना जरा। ये लीजिए भाभी, भैया ये मोमोज ले लीजिए। आपके मोमोज की चटनी और मोमोज तो बहुत ही अच्छे हैं, जरा मेरे लिए एक प्लेट और दे दीजिए। हाँ हाँ भैया लीजिए ना, खाइए। मुझे भी मोमोज दीजिए ना दीदी, लो टेस्ट करो। इस तरह काली नंद के मोमोज की स्टॉल पर एक के बाद एक बहुत सारे लोग मोमोज खाने आते हैं और उनके बनाए मोमोज की तारीफ करते हैं, जिससे दूसरे दिन काफी अच्छी आमदनी हो जाती है और एक महीने के भीतर ही वंशिका के बने मोमोज काफी मशहूर हो जाते हैं, जिसमें उसकी दोनों भाभियों का भी योगदान था। मोमोज बेचने से घर के खर्च निकल गए थे और वंशिका अपनी दोनों भाभियों के लिए साड़ी और वेस्टर्न ड्रेस लाती है। भाभी आप दोनों ने सच में मेरी बहुत हेल्प करी है, इसलिए आप दोनों के लिए ये मैं छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, एक मिनट खोलकर देखती हूँ। अरे वाओ, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है और ये गाउन बिल्कुल मेरी फिटिंग का है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया भाभी। वंशिका मुझे माफ कर दो, तुमने अपने खानों की कुंडल बेचकर मोमोज बनाकर घर का खर्च चलाया, पर हम दोनों ने तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, बार बार खाला बोला। यस मुझे भी माफ कर दो, उसके बाद भी तुम हम दोनों के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाई, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं भाभी, थोड़ा बुरा लगा पर आप तो बड़ी है ना, और आपने झूठी क्या बोला, मैं हूँ ही ऐसी और आपकी वजह से ही मेरी बिक्री भी शुरू हो गई, अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो सब कैसे होता, इसलिए गिफ्ट तो बनता है। सच में तुम बहुत अच्छी हो वंशिका, और इतने समय से तुम ही तो घर के खर्च चला रही हो, तो इस तोहफे की क्या बात थी, और जो तुम्हें बुरा भला खाला बोला मुझे माफ कर दो उसके लिए, आज के बाद हम फिर कभी नहीं लाएंगे। हाँ आलिया ने बिल्कुल ठीक कहा, और मिलकर मोमोज बेचेंगे। हाँ भाभी। पर दोनों अंग्रेजन अपनी नंद के गले लग जाती है। इसके बाद वो एक साल तक मेहनत करके मोमोज बेचते हैं और अपने घर की सारी स्थिति को ठीक कर लेते हैं, और अब उनके मोमोज की 3 स्टॉल थी और जिस पर 2 लड़के थे और 1 लड़की मोमोज बना दिया करती थी। इस तरह वंशिका के मोमोज फेमस हो जाते हैं और उसके दोनों भाई की नौकरी भी लग जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।